अस्सलाम वालेकुम हो रहा है। भाई आप सोई हुई थी पीछे, हम घर का काम कर रहे हैं, आज छुट्टी है, इंशाल्लाह हम हफ्ते सफाई मना रहे हैं। कितने चम्मच डाले हैं? अल्लाह की कसम मैंने एक चम्मच डाला है, वो बड़ा वाला। वो तो मैंने वैसे मजाक किया आपसे, दिमाग से हटा। इतनी चीनी डाली हुई थी, चीनी में चाय डाली आज इसमें, रोज डालता हूँ। मेरी दादी भी ऐसे चीनी पीती थी, मेरी दादी की चाय इतनी होती थी, और ऐसे देखती भाई यूं करके ना, मैं कहा अम्मा क्या कर रही हैं आप? कहती मैं चाय पीती चीनी के लिए हूँ। सही बात है। तो डॉक्टर ने हालांकि चीनी मना की हुई थी बेस्टी को। आटा बन चुका है जी, और ये मैं बनाने लगी हूँ एग। हस्बैंड का नाश्ता बन रहा है जी, आज सैटरडे है। देसी घी भी डाल चुका है, और ये देसी घी का पराठा। व्यूअर्स आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज छुट्टी का दिन है, जरा सामने आ जाए, आज छुट्टी का दिन है, क्योंकि ये चौरस पराठा देसी घी वाला और हो भी लच्छेदार, और जो है दाल देसी घी और एग हो इस तरह का, जो सिंपल हाफ फ्राई ना हो और बड़ा कलरफुल सा ऑमलेट हो, इट मीन कि आज छुट्टी का दिन है, यानी आज सैटरडे है या संडे है। तो आज सैटरडे है, बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता है, और ये मेरे ख्याल में इवनिंग तक चलेगा जी। अब इवनिंग के बाद देखेंगे कि हम क्या खाते हैं, बेगम साहिबा हमें क्या ऐसी यूनिक डिश खिलाती हैं कि अश कर उठेंगे फिर हम। हाँ दीदी, आज पराठा इतना अच्छा है कि खाली पराठा और चाय के साथ भी बड़ा मज़ा आ रहा है, और एग वैसे का वैसे पड़ा है। ये देखें जी, मिसेज भी चाय के साथ पराठा खा रही हैं। आज मसला ये है कि पराठा जूँ खाते हैं तो ये कम होता जा रहा है, क्या करें, पराठा भी एक ही खाना है, क्योंकि ज़्यादा फिर खाने से कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो सकता है। तो अब तबीयत सुनाएं जी व्यूअर्स को। ठीक है, तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई जी, वैसे ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रही हैं कि तबीयत ठीक है, अल्लाह इनको इंशाल्लाह जल्द से अजाबी दे। और बाकी जी कुछ कहना चाहेंगी आप? छुट्टी का दिन है। अच्छा देखे जी, वो कमाल कर दिया जी, देखे नया स्टाइल है, पराठे के ऊपर दाल, फिर एग, और फिर जो दाल का जो रस है जो पराठे में जाएगा, सुभान अल्लाह, बहुत ही आला किस्म की एक बात हो जाएगी। क्या करें, ये तरीके हमें ना आए जी, जिंदगी गुजर गई है ये वाले खाने के तरीके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही प्यारा मौसम है मुल्तान का, ये देखें क्लाउडी मौसम है, और एग्जैक्टली एक बज चुका है जी दोपहर का, और ये देखें कितना प्यारा मौसम हो चुका है जी, बस अल्लाह खैरियत से रखे, बहुत ही मज़ेदार मौसम है जी। अल्लाह से यही दुआ है कि जी बारिश हो तो रहमत की हो, मौसम हो तो रहमत वाला मौसम हो। देखें जी, मेरा बेटा भी आ गया खैर से, अभी पूछा, और ये मौसम देखें जी, माशाल्लाह जी, अच्छा जी माशाल्लाह। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, वो जी सच्ची इतनी ग्रीनरी है माशाल्लाह माशाल्लाह से, दरख्त ही दरख्त हैं बहुत ज़्यादा। आप सबसे बड़े किसके फैन हो पाकिस्तानी प्लेयर में से? नहीं अभी मुझे पता है, मुझे पता है वो तो है, रिजवान बाबर, ये बताओ दोनों में से बताओ। भाई रिजवान का ये बहुत बड़ा फैन है, इनको कोई पता नहीं कि बाहर बारिश हो रही है, ये अपनी ही जिंदगी में अपने ही मोबाइलों में पड़े हैं। क्या दे दूँ? अच्छा जी ठीक है, ओके। हसन कहाँ, उसे अहमद कहाँ है? मजनू खड़ा खड़ा हुआ है, अब पागल हो गए हो क्या? देखो
कॉल की थी मैंने। कौन है? मूसलाधार बारिश के बाद घर की सफाइयां करते हुए जाहिर है जी, ये वाला पोर्शन तो अब साफ करना मजबूरी है। ये देखें जी क्या पोजीशन हो गई है लॉन की। बाकी पूरे लॉन में ये बड़े बड़े जितने भी ट्रीज हैं, इनका एक इशू ये भी है कि गंदगी भी बहुत करते हैं बारिश के दिनों में। एक दफ़ा चेयर्स साफ हो गई हैं, फिर से काम बढ़ाते हुए मेरा दोबारा से गीला कर दिया गया है चेयर्स और मेज़ को। अच्छी, मैंने आपको बताया भैया ये चेयर सारी साफ हो चुकी हैं एक दफ़ा ना, लेकिन आपने आओ देखा है ना ताओ, सबको गीला कर दिया है दोबारा। छुट्टी देख लें जी कैसे मनाई जा रही है अपनी माँ के साथ। आज मम्मा ने खाना नहीं बनाया और इंजॉय कर रही है। मैंने खाना नहीं बनाया। बनाया आलू गोश्त। तो भाई फिर बताएं तो सही ना, आलू गोश्त बनाया हुआ है मेरी किसी ने। व्यूअर्स, आलू गोश्त ने कमाल कर दिया है, मैं आपको कह रहा हूँ। थोड़ा सा ये देखे जी, ये जी मायके से आ चुका है नाज़रीन फोन। अभी आधा घंटा हमारा जाया हो जाएगा समझे। ये चार दफ़ा पूछती हैं अपने मायके की हर खातून से भी, आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है? देखते हैं जी, हस्बैंड लगता है बाहर है। क्या जाने हो रही हैं जी, मौसम अच्छा है ना, हवा अच्छा है, रुकी रही कि मौसम अच्छा है माशाल्लाह से। परिंदों को देखें जी माशाल्लाह से, ये भी बड़े खुश होते हैं इस टाइम। खाना लग चुका है जी, ये देखें जी, ये है आलू गोश्त सैलड और ये रोटियां। अब मैं बुलाने जाऊँ बच्चों को और हस्बैंड को। खाना लग चुका है, आ जाए। थोड़ा सा काम कर लेते हैं। खाना मैंने लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा। अब दोबारा नहीं, मैं अभी आया। आप अभी खाओगे आलू गोश्त? मजे का है भाई, आलू गोश्त में आलू भी है। आलू गोश्त में आलू ही होगा। खाना लगा पड़ा है, खा लो। हसन, हसन कहाँ है? हसन इधर खराब हो गया है, जिस तरीके से आप खाते हो ना खाना। आज इधर आ जाओ जी। व्यूअर्स, अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। बहुत ही बताते हैं, बहुत ही जबरदस्त। नहीं पहले मैं चखूंगा फिर ऐसे नहीं। मेरे ख्याल में बहुत आला कहने की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी कह दिया। ये आप इशारे समझ लिया करेंगे बहुत आला। नहीं, मेरी चिढ़ हो गई है आपकी, बहुत आला कहने की चिढ़ मेरी बन गई है। आप कहाँ थे मुझसे पूछे बगैर? आपने बाहर कदम कैसे रखा? ऐसे ही है, ऐसे अभी दिखाता हूँ। ये हमारे कैमरामैन को भी अप्रिशिएट किया करें। ये पूरा जो है मिस हिजेस हिना, ये हमारी कैमरामैन यही है माशाल्लाह, और इन्हीं की वजह से व्लॉग आते हैं। बाकी हम तो एडिटर हैं और बच्चे नो लिफ्ट। ये मैं सिर्फ आपको हसन की प्लेट दिखाना चाह रही थी। प्याज ऊपर, अचार इसके अंदर मिक्स। अजीब ही है मेरा बेटा भी। अपनी ये तो मैं भी ऐसे खाती हूँ, सबको पता मैं ऐसे ही खाती हूँ। ये ऐसे ऐसे करके अपनी प्लेट भी, प्लेट भी दिखा देना। ये देखिए ऐसे करके, और ये भी सारा आपने अपने पास रखा हुआ है देखिए। हाँ जी, कोई खाते नहीं, मैं खाती हूँ सबसे। उठ जाए बेगम साहिबा, कोई मिल्क शेक बनाए ताकि सोने की तैयारी करें बच्चे। टाइम जरा देख लें, 11 o'clock हो गए हैं। ये देखें जी, ये मैंगो जनाब कलेक्ट किए जा रहे हैं यहाँ से। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अच्छा व्यूअर्स, ये देखें आपको भी ये फार्मूला दे रहे हैं कि मैंगो क्योंकि ठंडे होते हैं, इसको फिर आप रखें ओवन में। ओवन में ये थोड़े से क्या हो जाते हैं फिर, ये हाँ थोड़ा डी फ्रीज हो जाती हैं जी। ये देखें जी, ये मिल्क से मलाई निकाल ली गई है। ये मलाई फिर इकट्ठी करके इसका बनाया जाता है बटर, बटर से फिर बनाया जाता है देसी घी, और देसी घी से फिर बनाए जाते हैं लच्छेदार चौरस पराठे, और मनाई जाती हैं फिर मज़े मज़े की छुट्टियाँ।
मिल्कशेक की बजाय पकौड़े खाने की जिद करते हुए, ऐसा बेवकूफ़ बच्चा हमने मैंने नहीं देखा जो रात के 11 बजे अपने पेट में दर्द कराने के लिए अपनी मम्मा से जिद कर रहा है कि मुझे पकौड़े बना दे। मिल्कशेक तैयार हो चुके। अच्छा भाई मान गए हैं, ये जो वीडियो बनाना ना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं इसे कोई बड़ा आसान काम समझता हूँ। हिम्मत है भैया आपकी। मेरा बच गया तो पीऊंगी वो। नो बच गया मेरा एक गिलास से काम है। देख लो नहीं ये देखें काम सबके बड़े बड़े गिलास और मेरा है जी छोटा सा गिलास। मैं कल से डाइटिंग करूंगा। ये देखिए ये एक गिलास भी पूरा नहीं हुआ। इतने ये देखिए जी इंटरनेशनल इतना पीता इसको कहते हैं तजाद और खुला तजाद। ये जी नवाब, इस घर में सारे नवाब हैं सिवाय मेरे। आप इस घर की रानी हैं, हम नवाब हैं नहीं हैं। मैं इस घर की नुकरानी हूँ। रानी और नुकरानी में देखें ना, नुकरानी में रानी भाई चांस अल्लाह ने दे दिया है। हसन बताओ मैं इस घर की कौन हूँ। रानी का भी आला दर्जा महारानी। अब तो देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी गवाही दे रहे हैं जो झूठ कभी नहीं बोल सकते। तू एक बजे क्या करना है आपने जाके, पढ़ना है पूरी रात अब ये भी लगाइए करें जिस तरह आप अटकते हैं ना, मुझे तो कहते हैं सारे आप भी जरा अपना अटकते हुए दिखाया करें। अच्छा व्यूअर्स मेरे ख्याल में हमारा व्लॉग क्लोज होने पे है और जैसे आप कहती हैं ना प्लीज वो पहले आप वो कहें। हमें जी दें इजाजत, हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब आवर व्लॉग आवर चैनल। और चलें जी अभी आप आज लाना हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद।